हेलो दोस्तों, मैं आरएन ग्लोरी। आज की स्टूडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बार फिर से नवोदय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथ के कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को निकालना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। वैसे तो लोग बहुत कहते हैं अरे नहीं निकलेगा, बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेहनत करिए, आपका एंट्रेंस जरूर निकल जाएगा। और जो मेहनत करते हैं, जिनका एंट्रेंस निकल जाते हैं, वो आसमान पर से थोड़ी ना आते हैं, वो हम ही लोग की तरह होते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं इसलिए वो पास हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको भी हार नहीं माननी है, आपको भी मेहनत करनी है। तो चलिए बिना किसी के स्टूडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इन क्वेश्चंस की शुरुआत हम एक इजी क्वेश्चन से करेंगे, जो है 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। तो पहले 55,055 को 11 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, 11 5 55, ये तो आप सब कर लेंगे, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इस जीरो को तो ऐसे उतार लेंगे, एक डिजिट तो अपने आप उतर जाता है, हमने जीरो को उतार लिया। बट जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब 11 बड़ा है, जीरो छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे डिजिट को भी उतारेंगे। तो दूसरे डिजिट को उतारने के लिए आपको आपके आंसर में एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तभी दूसरा डिजिट उतारने की आपको परमिशन मिलेगी। तो 5 को हमने उतार लिया। अब 5 11 से छोटा है, मतलब अब भी भाग नहीं जाएगा। तो अब हमें एक जीरो और चाहिए, क्योंकि अगर हम एक जीरो और अपने आंसर में बढ़ा दें तो हमें आगे का डिजिट मिल जाएगा। तो इसको भी हमने उतार लिया, 55 हो गया। अब देखिए 11 5 55, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या आया, यहाँ आया 5,005। तो मतलब कि हमारा बी पार्ट होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, बहुत से लोगों का डी पार्ट करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन वो गलत है, और आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, सॉल्व हो गया। तो जैसा कि दोस्तों हम आप सभी लोगों को बता दें कि 11 अगस्त 2021 से आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, और जिसकी प्रिपरेशन के लिए, जिसकी तैयारी के लिए चुच्छू पब्लिकेशन वालों ने एक बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया बुक आपके लिए लेकर आई है। और इस बुक को पढ़ करके 80 में से 65 या 70 क्वेश्चंस तो आप बढ़िया आसानी से कर सकते हैं। और इस बुक से सेल्फ स्टडी करके, खुद से पढ़ करके, बिना किसी कोचिंग के आप अपना एंट्रेंस आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड इस बुक की सबसे खास बात यही है कि इसमें आपको जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो मेथड है, वो बहुत ही इजी वे में दिए हुए हैं। इस बुक में टोटल आपको 7 प्रीवियस सॉल्व पेपर, 6 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, और साथ ही साथ बाकी सभी टॉपिक्स भी आपको इजी वे में दिए हुए हैं। तो इस बुक की जो एक्चुअल प्राइस है वो 300 के आसपास है, लेकिन अगर आप इस बुक को फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से खरीदते हैं तो वो आपको 250 रुपए के आसपास मिल जाएगी। बस आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन या स्नैपडील पर यही डालना है चच्छू नवोदय विद्यालय, और आपके सामने वो बुक आ जाएगी, जिसे आप आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक को कोरियर द्वारा मंगाना चाहते हैं तो आपको उस फ्रेंड को उसका एड्रेस दिख रहा होगा, तो आप वहां से कोरियर द्वारा अपनी बुक को आसानी से मंगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है संख्या 1 2 5 3 7 5 0 निम्नलिखित से विभाज्य है, मतलब इनमें 4 ऑप्शंस हैं। अब इनको बार बार आपको चेक करके पता करना है कि इनमें से कौन से नंबर से, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, उन दो नंबर से ये पूरी संख्या विभाज्य है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को एक एक कर करके डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि अगर आपको एक क्वेश्चन करना है वो भी करेक्ट, तो उसके लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आती है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना तो आप डिवाइड ही करते रह जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमने एक वीडियो बनाई है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें आपको इन्हीं सब नंबर्स की नहीं, इसके अलावा भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी पता चलेंगी, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ए में है 5 and 4। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। आप देखिए, इस संख्या के अंत में 0 है, लास्ट में 0 है, मतलब ये संख्या 5 से डिविजिबल है। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। तो 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि किसी भी संख्या के अंत में जो 2 डिजिट्स हो,
होते हैं वो या तो दोनों जीरो हो या तो वो दोनों फोर के टेबल में आते हो, तभी वो पूरी संख्या फोर से डिविजिबल होगी। इसके लास्ट में दो जीरो तो है नहीं, एंड अगर हम दो डिजिट्स की बात करें तो 50 है, एंड 50 फोर के टेबल में कहीं नहीं आता, मतलब ये नंबर फोर से डिविजिबल नहीं है। तो जब फोर से नहीं है तो ये पूरा ऑप्शन ही गलत है। अब आगे देखिए, बी में टू एंड थ्री, टू की डिविजिबिलिटी होती है कि उसके लास्ट में कोई इवन नंबर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, तो जीरो है। चलिए हमने मान लिया कि भैया टू से नंबर डिविजिबल है, थ्री चेक करते हैं। थ्री की डिविजिबिलिटी है संख्या का सम, अगर तीन से विभाज्य है तो पूरी संख्या तीन से विभाज्य होगी। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 5 is 23। तो इसका मतलब 23 अब 3 के टेबल में नहीं आता है, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो मतलब बी भी गलत है। सी में 5 एंड 10, अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 है। चलिए भैया ये भी मान लिया 5 से डिविजिबल है। 10, 10 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 होना चाहिए, तो देखिए 0 है, मतलब 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। अगर आप डी को भी देखें तो 1 से तो भैया कोई भी संख्या विभाज्य होती है। एंड अब आगे देखिए 4 यहाँ पर है, अब 4 से क्या संख्या विभाज्य है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था 4 से संख्या विभाज्य थी ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगी, तो मतलब ये भी गलत है, तो हमारा सी पार्ट होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन जो है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 75 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होती है, 1000। अब देखिए कह रहा है 75 से विभाज्य हो जाए, तो पहले 1000 को 75 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए कितनी बार जाएगा, दो डिजिट तो लेंगे नहीं, छोटा पड़ेगा, तीन डिजिट ले लेते हैं, 75 टू जा लेते हैं तो 150 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो 75 ही रहेगा। देन अब कैरी ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, फिर 9 में से 7 गए तो 2, अब इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 तार लेंगे तो 250 हो जाएगा। एंड अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पे, एक बार तो गया था, अब जाएगा ये 3 बार, 75 3 225। अब क्या आएगा, देखिए इसको माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा 2, एंड इधर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए रिमाइंडर बच गया 25, आपको डेसिमल जाने की जरूरत नहीं है, 25 बच गया। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि 25 क्या आंसर होगा, 13 आंसर होगा, 75 आंसर होगा कि 25 आंसर होगा, क्या आंसर हो सकता है, तो इसको चलिए एक और ट्रिक से समझते हैं। मान लीजिए है 5 को 18 से डिवाइड करना है, तो कैसे होगा, 5 3 15, एंड इधर बच जाएगा 3। अब हम 18 में क्या ऐड करें कि ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, मतलब 0 बचे, रिमाइंडर 0 बचे, कुछ भी ना आगे नंबर आए, तो यहाँ पे अगर हम 18 में 2 ऐड कर दे तो 20 हो जाएगा, तो पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। ये हमने कैसे पता किया, जो हमारा रिमाइंडर है उसको हमने माइनस कर दिया अपने भाजक से, भाजक में से तो 2 आ गया, मतलब 18 में 2 जोड़ा जाएगा, उसी तरह से 75 है। अब देखिए कि 75 है और 25 है, तो क्या करेंगे, अब 25 कितना कम है कि वो 75 बन जाए 50, तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 75 में से 25 माइनस करते हैं तो 50 आपको आंसर मिलेगा, तो मतलब ए पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो था ना कितना इजी, बस आपको लग रहा था कि बाप रे बिल्कुल कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। चलिए देखते हैं था नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिना भाग की क्रिया के ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। आ यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है बिना भाग किए बताइए, तो वैसे अगर आप एग्जाम में भाग करके भी बताते हैं, भाग करके भी अपना जवाब बताते हैं, तो वैसे कौन आपको एग्जाम में देखने आ रहा है, अपन तो आंसर बता सकते हैं, लेकिन उस तरह से बहुत ज्यादा समय लगेगा और इतने में आपके कितने सारे क्वेश्चंस छूट भी जाएंगे, तो इसलिए हम इसको बिना भाग किए ही जल्दी से करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं,
तो यहाँ पर इसके लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 11 मतलब 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि विषम स्थान पर जो भी संख्याएं होती हैं उनका योग और सम स्थान पर जो भी संख्याएं होती हैं उनका योग, तो इन दोनों के योग का जो अंतर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले विषम संख्याओं पर जो भी संख्याएं हैं उन्हें मार्क कर लेते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आप एक एक गैप करके आसानी से फटाफट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो संख्याएं बची वो सम संख्याएं होंगी, सम स्थानों पर होंगी, 2, 4, 6, 8 and 5। अब आपको संख्याओं से मतलब नहीं है कि वो इवन है, ऑड है, क्या है, उससे मतलब नहीं है, बस आप ये देखिए कि उनका स्थान क्या है। तो अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि सम बोला गया है। अब 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25। तो यहाँ लिख लेते हैं 25। ये विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका योग हो गया। 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 5 = 25। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 25। अब इसका अंतर बोला गया है दोनों के योग का, तो माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो अगर 0 मिलता है 11 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर 0 मिला, तो इसका मतलब हाँ ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर है अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर को और आगे एक्सटेंड ना कर सके, जैसे 84, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या दिया हुआ है, 2 × 2 × 3 × 7। अगर हम 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, पहले हम इसको 2 से ही करते हैं, छोटे नंबर से करते हैं। तो देखिए एक तरफ 2 हो जाएगा और दूसरी तरफ 42 हो जाएगा। अब 42 फिर से 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ 2 हो गया एंड यहाँ पे हो जाएगा 21। अब 21 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 × 7। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 × 2 × 3 × 7 यही यहाँ पर दिया हुआ है जो हमने अभी किया। तो इसका मतलब ये पार्ट में जो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है वो सही है, क्योंकि अब आप ना तो 7 को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही 3 को कर सकते हैं। अब देखिए बी में 112 = 2 × 2 × 14 × 2। अब यहाँ पर ये 2 × 2 तो ठीक है, लेकिन 14 का आप आगे फैक्टर कर सकते हैं, कैसे, 7 × 2 की हेल्प से। तो मतलब यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप उसे और आगे ना कर सके, जहां पे वो बिल्कुल उसी तरह बंद हो जाए, तो ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी में 70 = 14 × 5 ठीक है क्योंकि प्राइम एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर 14 है, 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर आप इसको और आगे करेंगे तो वो 7 × 2 होगा जैसे कि यहाँ पर हुआ था, तो मतलब सी भी नहीं हो सकता। डी में 45 × 5 × 9 हो गया, 5 ठीक है बट 9 को आप आगे कर सकते हैं 3 × 3 इस तरह से, तो मतलब कि ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। सही कौन होगा, ए। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।